सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। डियर मोदी जी, क्या था ये? हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आप ही स को श बोलोगे तो कैसे चलेगा? अगर आप खुद ही सोचिए ना, आपने सपा से सा निकाला, आरएलडी से रा निकाला और बसपा से ब निकाला, तो शराब होना चाहिए ना, ना कि शराब थोड़ी। या राइमिंग के लिए कुछ भी करेंगे आप? आपको पता है मजाक बनता है ऐसे लोगों का जो श को स और स को श बोलते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं हर सेंटेंस में स को श बोलूँ तो कैसे लगेगा। सबसे पहले आपका नाम ही ले लेते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे बंगाली हो क्या आप या बिहारी, या जबरदस्ती स को श क्यों पेल रहे हो? हमें लगता है कि आपका इस बार जो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राइटर था ना, वो स को श बोलता होगा, इसलिए आपका पोपट हो गया। अब आप कुछ भी कर लो, आपके नाम के मीम बनने चालू हो गए हैं, वो भी फुल मज़े में। अब आप बताओ, कोई स्मृति ईरानी को स्मृति ईरानी बुलाए, सुषमा स्वराज को सुषमा स्वराज बुलाए, सोनिया गांधी को सोनिया गांधी बुलाए, तो कैसे लगेगा? हाँ, हो सकता है कि आप सोनिया गांधी पर खुश खुश, ध्यान दीजिएगा, हाँ खुश हो जाएं, पर ये खुशी कैसी होगी? आगे से स और श में अंतर पढ़ लेना, नहीं तो स्कूल, अब हम ठीक बोलेंगे, नहीं तो स्कूल चले जाओ, सीख लो फिर से, कोई बुराई नहीं है। नमस्ते। ओहो, नमस्ते।